साउंड है ट्कल रिंग बीट टिकिंग बूमिंग और ऑब्जेक्ट्स यहाँ हैं ऑफ़ अ ड्रम ऑफ अ गन ऑफ़ ग्लास ऑफ अ बेल ऑफ अ क्लॉक नंबर वन पे है टिंकल टिंकल ऑफ अ ग्लास रिंग रिंग ऑफ अ बेल द बीट बीट ऑफ अ ड्रम टिकिंग ऑफ अ क्लॉक द बूमिंग बूमिंग ऑफ अ गन द सेंटेंसिस बिलो हैव नाउन्स विच आर आइदर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें से कॉमन नाउन्स भी हैं और प्रॉपर नाउन्स भी हैं आपने अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन्स को और सर्कल करना है प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं जो कि कॉमन होते हैं किसी सिंपल आम से होते हैं कोई से जिसे हम कह देते हैं कि कोई आम जैसे कोई शख्स है कोई चीज़ है पेंसिल है शख्स को सॉरी हम नहीं कॉमन में कंसीडर करते हैं। जैसे कोई पेंसिल है कोई कार है चॉकलेट है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आम होती हैं और जो प्रॉपर होती हैं वो ख़ास होती हैं ना जैसे कोई शख्स है कोई सिटी uh, का, को का नाम है कोई कंट्री का नाम है कोई प्लेस का नाम है तो वो uh, क्या होते हैं प्रॉपर होते हैं ख़ास होते हैं ना माई फ्रेंड रमीशा हैज़ आर न्यू पैट डॉग माई फ्रेंड रमीशा रमीशा को सर्कल क्यों किया है प्रॉपर नाउन किसी शख्स के बारे में ख़ास शख्स के बारे में बात हो रही है ना द काउज़ आर ग्रीजिंग इन द फील्ड नंबर टू पे है द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड द काउज़ को हम अंडरलाइन कर देंगे कॉमन नाउन है वो मिसिज बोस इज़ माई आंट मिसेस बोस ये ख़ास हैं प्रॉपर नाउन है इसलिए उसको हमने सर्कल कर दिया मै ब्रदर एट ऑल द चॉकलेट्स चॉकलेट भी आम सी चीज़ है इसलिए हमने उसको भी सर्कल कर दिया आई लव कैडबरी चॉकलेट कैडबरी कुछ एक किसी एक स्पेशल के बारे में बात हुई है सिर्फ चॉकलेट के बारे में बात नहीं हुई इसलिए हमने कैडबरी को सर्कल कर दिया माई नेबर्स मिस्टर बोस इज़ एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आर्मी ऑफिसर स्पेशल है ख़ास है प्रॉपर है इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया द स्कूल इज़ नियर इन अ पार्क द स्कूल को सर्कल कर दिया सॉरी सर्कल नहीं अंडरलाइन किया क्योंकि वो एक कॉमन है मिसिस साद इज़ माई इंग्लिश टीचर मिसिस साद को सर्कल कर दिया क्योंकि वो प्रॉपर है वेयर इज़ योर बैग बैग को अंडरलाइन करेंगे क्यों क्योंकि वो कॉमन सी चीज़ है और आमिर आमिर को सर्कल करेंगे क्योंकि एक वो प्रॉपर नाउन है वी हैव अ हॉलीडेज ऑन फ्राइडे फ्राइडे को हम सर्कल कर देंगे क्योंकि वो भी एक प्रॉपर नाउन है नेक्स्ट है एड एस टू मेक मैनी फॉर्म वन एक चीज़ है और उसमें से जब हम एस को ऐड कर देंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी जैसे कि नंबर वन पे एन ओ एस ई एन ओ एस सी एस नोजेज विंडो विंडोज एल्बो एल्बोज क्लॉक क्लॉक्स हॉर्स horses टॉ टॉयज नी नीज माउथ मथ मंथ्स टॉय टॉयज फ्रूट फ्रूट्स हॉर्न horns और ट्री ट्रीज को ओके ये तो हमारी बक बुक सॉल्व हो गई नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने हाउ द सुल्तान फाउंडर अनेस्ट मैन की क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री को सॉल्व किया था अपनी नोटबुक पे आज हम इसके नेक्स्ट टू क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे सब अपनी जल्दी से नोटबुक्स ओपन करें उस पर मार्जिन ड्रा करें डेट लगाएं डेट लगाएं डे लगाएं।, 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 लगाएं क्लास वर्क लिखें आज डे क्या है फ्राइडे है और डेट क्या है एलेवंथ दिसंबर टू है क्लास वर्क टॉपिक हाउ द सुल्तान फाउंड दस्ट मैन पेज नंबर थर्टी फाइव आंसर दीज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री हमने उससे कर लिया था आज हम क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव करेंगे वट डिड द सुल्तान आज द गेस्ट डू आफ्टर दे हैड ईटन जब खाना खा लिया तो सुल्तान ने अपने गेस्ट से क्या करने के लिए कहा द सुल्तान आस्ट हिज गेस्ट टू डू डांस आफ्टर दे हैड ईटन जब मेहमानों ने खाना खा लिया तो सुल्तान ने उनसे डांस करने के लिए कहा हाउ डिड द वजीर फाइंड द ऑनेस्ट मैन वजीर ने ईमानदार शख्स को कैसे ढूंढा ढूंढने में कैसे मदद की बाई गिविंग गुड एडवाइस कि उसने एक अच्छी एडवाइस एक अच्छी नसीहत दी थी उसको ना नेक्स्ट आपका होमवर्क है लर्न वर्क बुक पेज नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एड ट्वेंटी थ्री जो मैंने आपको ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एड ट्वेंटी थ्री के अभी वर्क बुक के पेज सॉल्व करवाए आपने को लर्न करना है प्लस क्वेश्चन नंबर फोर राइट ऑन नोटबुक एंड लर्न क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड द वज़ीर फाइंड द ऑनेस्ट मैन वजी ने एक ऑनेस्ट मैन को कैसे ढूंढने में मदद की कि उसने बाय गिविंग गुड एडवाइस अच्छी एडवाइस दी थी उसको आपने अपनी नोटबुक पे एज योर होमवर्क राइट करना है और लर्न करना है क्लास वर्क अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर लाफिस